नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। आज राजीव गांधी का जन्मदिन है और उनको जन्मदिन की श्रद्धांजलि देते हुए हम उन पांच कारणों के बारे में बात करेंगे जो राजीव गांधी को भारत के इतिहास का सबसे गंदा प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। सबसे पहला कारण है श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजना। इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड काफी ऑनरेबल है और पूरी दुनिया में इसकी इमेज काफी क्लीन मानी जाती है। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी कभी भी किसी गलत काम के लिए दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुई है। इन सब चीजों के बावजूद राजीव गांधी ने 1,00,000 भारतीय सैनिकों को पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर श्रीलंका भेजने का फैसला लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया और इंडियन आर्मी के खिलाफ श्रीलंका में एक रोष और नफरत की लहर फैल गई। चारों ओर नफरत के इस माहौल में इंडियन आर्मी के 1200 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। इसके साथ साथ कई हजार तमिल और सिन्हालीज भी मारे गए। ये तो वीपी सिंह थे जिन्होंने राजीव गांधी के बाद पावर में आते ही इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका से वापस बुलाने का फैसला लिया। नटवर सिंह के अनुसार राजीव गांधी ने पीस कीपिंग फोर्स भेजने से पहले अपनी कैबिनेट से कोई सलाह मशवरा नहीं किया था और ये डिसीजन बहुत ही जल्दबाजी में लिया था। दूसरा कारण है कश्मीर के इलेक्शंस में धांधली। 1987 तक कश्मीर में ज्यादा बुरा हाल नहीं था और ज्यादातर इलाके शांतिपूर्ण थे। यहां तक कि उस टाइम तक कश्मीर घाटी में पंजाब और असम से भी ज्यादा शांति थी। राज्य में 1987 के इलेक्शंस को लेकर काफी उत्साह था और सेपरेटिस्ट पार्टी के लीडर्स भी इन इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन राजीव गांधी ने अपनी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने के लिए इलेक्शन में धांधली की और नतीजे फिक्स कर दिए। इसकी वजह से कश्मीरियों का भारत सरकार से विश्वास उठ गया और यहीं से घाटी में मुजाहिदीन और आतंकवाद की शुरुआत हो गई। कश्मीरी पंडितों को भी इसी वजह से कत्लेआम का सामना करना पड़ा और कश्मीर घाटी से अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। इस ग्राफ में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 1987 से पहले कश्मीर में शांति थी और 1988 से अहिंसा का ग्राफ ऊपर जा रहा है। इस इलेक्शन को बहाना बना के पाकिस्तान ने भी आग में घी डालने का काम शुरू किया और कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद को फैलाने के लिए पैसा और हथियार भी भेजने शुरू कर दिए। तीसरा कारण है शाहबानो केस। शाहबानो जो कि एक 60 साल की बेरोजगार औरत थी, वो कोर्ट से 200 रुपए महीने की गुहार लगा रही थी जिससे कि वो अपने 5 बच्चों का पालन पोषण कर सके। उसके वकील पति ने उसको एक दिन अचानक तलाक 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 बोल के बेसहारा छोड़ दिया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसके पति को हर महीने मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले की वजह से देश भर के मौलवियों, मुल्लों और इस्लाम के ठेकेदारों में काफी गुस्सा आ गया था। राजीव गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवर रूल कर दिया और एक कानून बना दिया जिसकी वजह से मुसलमान औरतों से उनके मूल अधिकार छिन गए। ये पहली बार नहीं था जब राजीव गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए कोई ऐसा फैसला लिया हो। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के गेट खोलने और बाबरी मस्जिद के पास नया निर्माण करने के भी ऑर्डर दिए थे, जिसकी वजह से बीजेपी की रथ यात्रा को काफी सपोर्ट मिला और बाबरी मस्जिद कांड हुआ। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर राजीव गांधी ने यह फैसला नहीं लिया होता तो बाबरी मस्जिद कभी भी नहीं गिरती। चौथा कारण है बोफोर्स कांड। बोफोर्स कांड उस वक्त तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांड था जिसका रिकॉर्ड भी आगे चल के कांग्रेस की सरकार ने 2G कांड के रूप में तोड़ा। 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन की एक कंपनी बोफोर्स के बीच में 410-155 mm हावित्सर गन्स खरीदने का समझौता साइन हुआ। इसके लगभग एक साल बाद अप्रैल 1987 में एक स्वीडिश रेडियो ने खुलासा किया कि इस डील को सिक्योर करने के लिए बोफोर्स ने भारत सरकार के कर्मचारियों को, भारत सरकार के अधिकारियों को $1.4 बिलियन की रिश्वत खिलाई। ये बात आगे चल के CBI की इंक्वायरी और भारत के काफी सारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स की इन्वेस्टिगेशन में सच निकली। इस डील में बिचौलिए का काम किया था ओतावियो कोत्रोची ने, जो कि एक इटालियन बिजनेसमैन था और सोनिया गांधी और राजीव गांधी दोनों का ही काफी करीबी दोस्त माना जाता था। राजीव गांधी ने अपने पर्सनल रिलेशंस होते हुए भी कोत्रोची के साथ बिजनेस डील की, जो कि सीधा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। बोफोर्स कांड आगे चल के 1989 के इलेक्शंस में राजीव गांधी की हार का एक बहुत बड़ा कारण बना। पांचवा कारण है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विनाशकारी ट्रेजेडी मानी जाती है, जिसमें यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में गैस लीक होने की वजह से 16,000 के आसपास लोग मारे गए थे और 5,00,000 से ज्यादा लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। राजीव गांधी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और उनके पास पूरा मौका था कि वो यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरन एंडरसन को पकड़ के जेल में डालते और उसके ऊपर कार्यवाही करते, लेकिन राजीव गांधी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने की बजाय इसके ठीक उलट राजीव गांधी ने वॉरन एंडरसन को रातों रात देश से बाहर निकालने में मदद की और PMO के ऑफिस की कार उसको एयरपोर्ट तक छोड़कर आई थी। दोस्तों, क्या आप इन कारणों से सहमत हैं? प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।